दूसरा लाइफ होगा करंट कनेक्ट करेंगे, दूसरा मटेरियल पार्ट उसको कैसे कनेक्ट करते हैं या उसको बोलते हैं नेचुरल अल्कोहलिक कंटेंट ऑफ द पार्ट प्लांट, फिर तीसरा हमारा साल्ट पार्ट, ठीक है। तीन पार्ट हम तैयार करते हैं। आज आपको जो पहला पार्ट बताया जाएगा वो बताया जाएगा एक अलग प्लांट का, दूसरा किसी और का, तीसरा किसी और का, क्योंकि तीनों एक ही प्लांट के तीनों पार्ट कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। जो पहला पार्ट आपको दिखाया जा रहा है वो सिल्वर बर्च यानी कि सेलिक्स आरवा का दिखाया जा रहा है, राइट। इसको सिल्वर बर्च का ही बोला जाता है। ये देखिए ये फ्रेश प्लांट है ना, अब इसको देखो इसकी ग्रीनरी नज़र आ रही है। अब इसमें ग्रीन नज़र आ रहा है, इसमें और इसमें क्या फर्क आपको नज़र आ रहा है ना, वो पेल हो गया, ब्राउनिश कलर में आएगा, क्योंकि उसका जो वोलेटाइल कंपोनेंट यानी कि जो प्राण वायु है वो उसकी निकाली जा रही है, तभी तो वो ऐसा हो रहा है ना। और ये जो प्राण वायु है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नेक्टोनपति का, जो हमारी एफिकेसी हम बोलते हैं ना कि कुछ भी उठा करके दे दो, ये प्राण वायु देते हैं आपको। जितनी फार्मेसी आपके पास आने वाले भविष्य में आएंगी या आ रही हैं उनसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछे, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ मेडिसिन, आप मेडिसिन कहाँ से बनाते हो, क्या आपके पास फ्रेश प्लांट अवेलेबल है, अगर है तो आपकी मेडिसिन नेक्टोनपति की है। अगर ये सूखे हुए पत्ते से मैं बनाऊँ कोई चीज़, क्या मरे हुए मृतक शरीर से आत्मा निकाली जा सकती है, राइट। तो अब हमने क्या किया, इस कंटेनर में केवल और केवल प्लांट कलेक्ट किया, इसके अलावा कुछ नहीं डाला। आज हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2.5 kg यानी 2.5 kg का इसके अंदर कंटेंट किया, राइट। ये प्रोसेस चलता है 7 to 7.5 hours to 7.5 hours से लेकर के 10 hours तक कंटिन्यूस, तब जाके पूरा होता है। किसी का 7.5 में भी हो जाता है, किसी का 10 hours में, मैक्सिमम 10, मिनिमम 7.5। ये क्या हमें कैसे पता चला ये प्रोसेस पूरा हो गया, ये भी बहुत बिग क्वेश्चन है। साइंटिफिकली इसको बोला गया कि जितनी क्वांटिटी हमने यहाँ ली, जितना वॉल्यूम पर्टिकुलर वेट नहीं वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम हमने यहाँ लिया उतना वॉल्यूम ही वहाँ हमें रिसीवर चाहिए, रेसिपिएंट चाहिए, उसका जो सॉल्वेंट है वो चाहिए। तो अगर 3.5 kg तो जब तक 4.25 liters वहाँ नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं माना जाएगा, राइट। जब ये 4.25 liters वहाँ हमने कलेक्ट किया ना, इन मीनवाइल 10 hours के अंदर यहाँ भी ड्रॉपलेट्स जो उसका वाटर वेपर्स है वो इसके अंदर आ जाने शुरू हो जाते हैं। जब एंड ऑफ द प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जब 7.5 to 9-10 hours के अंदर पूरा होता है ना, तो अब इस जो लास्ट में वो तो चीज़ मिलती है, इस प्लांट के अंदर अब पानी भी आ चुका है। कैसे आया, ये जो स्टीम जा रही है इसके ड्रॉपलेट आप देख लो पानी का नीचे गिर रहे हैं, तो जब पानी के कारण इसके अंदर कलेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो अब हमने जब इसको हमने फेंकना नहीं है, इससे हम सेकंड हिस्सा तैयार करेंगे जिसको बोलते हैं हम सबसे पहले मर्क्यूरियल पार्ट और थर्ड हिस्सा भी इसी से तैयार करेंगे जिसको बोलते हैं साल्ट। मगर साल्ट और मर्क्यूरी निकालने से पहले इसको विशेष प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। वो फर्मेंटेशन कैसे होती है, उसमें से क्या चीज़ निकाली जाती है और किस चीज़ से क्या पार्ट बनाया जाता है वो आपको बताया जाएगा। अब अगले पार्ट में आगे आधे मंदिर अंदर जाएंगे, 10-12 आराम से आइए, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ही हमारा आधा घंटा एक्स्ट्रा लगी है, कोई बात नहीं, राइट। अब जब आ जाओ थोड़ा राउंड अप कर लीजिए। जब हमने फर्मेंटेशन वहाँ से जो हमें कंटेंट मिला वो उसमें क्या था, पानी प्लस प्लांट जी। अब उसको हमने जब फर्मेंटेशन के लिए रखा तो देखो आप देख रहे हो बीच में वाटर आ रहा, ठीक है, ये फर्मेंटिंग मटेरियल तैयार हो चुका है, राइट। और प्लांट है इसके अंदर, अब इसके दो हिस्से बन रहे हैं, पानी अलग किया जाएगा और जो फोग है प्लांट का जो हिस्सा है उसको अलग किया जाएगा। जो प्लांट का हिस्सा आएगा उसको ये देख रहे हो आप अपने पिछली साइड शेड लाइन के लिए रखा गया। अब ये प्रोसेस इसको ये सुखा लिया गया, इससे हम तीसरा पार्ट तैयार करेंगे जो उसका लिक्विड है, बैटरी मटेरियल है। इससे हम सेकंड पार्ट तैयार करेंगे, जो सेकंड पार्ट तैयार करेंगे वो जो अभी चल रहा है उसके साथ पहले पार्ट के साथ, वहाँ आप लोग चलिए वहाँ कैसे किया जाता है वहाँ जाइए। थर्ड पार्ट फिर आप, यस, फर्स्ट पार्ट के बाद फर्मेंटेशन किया, फर्मेंटेशन का लिक्विड अलग किया और जो बाकी ये बचा उसको शेड ड्राइंग के लिए रखा और जो पानी निकाल करके उसको हम उस तरफ ले करके जा रहे हैं, ओके। और जो वहाँ से हम लिक्विड सीव आउट किया यानी छन्नी किया जी, उसको हम लाए लिक्विड, वो इस तरीके से है, इस तरीके से आता है जी। अब इसको हमने इस तरीके से यहाँ तक लेकर के आना है इसी में से। अब ये आपके सामने चल रहा है, लाइव चल रहा है ना जी। अब ये आपको दिखाया जा रहा है क्या चला वैसा पस्टोर इसका जो दूसरा पार्ट, राइट। अब ये नेचुरल एल्कोहलिक इसका कंटेंट कलेक्ट किया जा रहा है, इसको बोलते हैं रिपीटेड डिस्टिलेशन। ये भी 7 to 10 times रिपीट डिस्टिलेट करना पड़ता है। जो यहाँ हमें कलेक्ट हो रहा है यह 5th time का चल पड़ा है,
अब इसकी रंगत इससे कितनी भिन्न हो चुकी है, मगर अभी भी ये इतना साफ नहीं जितना साफ ये है, राइट। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से कलेक्ट करेंगे, फीडिंग फनल से यहाँ डाला जाएगा, ये 7 to 10 times रिपीट होता है, तब जाकर के हमें ये वाला हिस्सा जो मतलब की मिलता है, इसको हमने बोला मर्क्यूरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि नेचुरल एल्कोहलिक कंटेंट। रवि सर, कोई भी आर्टिफिशियल एल्कोहल का इस्तेमाल एज ए प्रिजर्वेटिव नहीं करता है, वो इसके अंदर ही एल्कोहल की क्वांटिटी है, मगर उतनी नहीं जितनी अननेचुरल के अंदर आती है। ये नेचुरल एल्कोहल है, ये पड़ती है कुछ तकरीबन 11 to 33% के अंदर, है ना। तो इसी को हम मेडिसिन के अंदर जब मिक्स कर रहे हैं तो हमें स्पेशल प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तभी हम कहते हैं कि हमारी मेडिसिन 100% वाटर बेस है, क्योंकि वहाँ से वाटर से ही हमने ये किया, राइट। ये दो पार्ट बन गए, हम पहला सल्फर, दूसरा मर्करी, और जो शेड ड्राइंग के लिए रखा था उससे हमने तीसरा पार्ट बनाना है। वो कैसे बनाते हैं वो आपको बता देते हैं। आपको वहाँ बताया कि प्लांट शेड ड्राइंग के लिए रखा गया, ये 3.5 kg का पैरामीटर होता है अमूमन जी, और 3.5 kg का जहाँ तक पहुँचते हैं 125 grams रह जाता है। ये रॉ है जो हमने छाया के अंदर सुखाया। अब इसको, ये वर्निंग ट्रे है, राइट। इसको हम, इसके अंदर हम वर्न करते हैं सबसे पहले कोई 80 to 90 degrees के बीच में, तभी इसकी जो निकलती है धुआं निकलता है वो सही तरीके से धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट हो जाता है, ये बन जाता है। इसको जब और 200 degrees तक लेकर जाते हैं तो 60 to 65 grams रह जाता है। अब कार्बन फ्री जब इसके अंदर होती है उसको हम डालते हैं अंदर, आप देख रहे हो, जरा देखिए क्रूसिबल बॉल नज़र आ रहे हैं जी, ये सिलिकॉन क्रूसिबल बॉल है, ठीक है, इसके अंदर देख रहे हैं, हाँ देखिए आराम से देखिए, और आगे जिन्होंने नहीं देखा देख लो जरा आकर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये 125 grams की क्वान्टिटी 60 to 65 grams तक लेकर के आ जाएगा। अब ये जो बीच में 60 grams या 60 क्वान्टिटी गई, इसकी कहाँ गई, क्या थी वो था कार्बन। हमने अब ये प्रक्रिया 60 बनाने से पहले होती कार्बन फ्री करना, बाई कार्बन फ्री, क्योंकि कार्बन का 1 lakh का एक हिस्सा भी आपकी बॉडी में चला जाए तो वो आपके बॉडी के अंदर कैंसर पैदा करने की कैपेसिटी रखता है, एक बार। नंबर दो पे वो आपके बॉडी में किसी भी मेडिसिन का रिएक्शन पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। हमने वो कैपेसिटी खत्म, तभी बोला कि साइड इफेक्ट लेस जी, यही होती है वो। यहाँ इसको हम कार्बन फ्री करके, अब यहाँ से 60-65 अभी भी कार्बन गया नहीं है, उसमें से 5% से 90% तक कार्बन इसमें फिर भी रह रहा होता है, उसको हमने कार्बन फ्री करना। तो मैं थोड़ा सा खड़े बस यही घूम जाना, ये उससे भी बड़ी भट्टी है, वो जाती है 350 degrees तक, ये कितनी जाती है 1200 degrees तक, राइट। पर हम टेम्परेचर रखते हैं 600 degrees तक। जब 600 degrees तक टेम्परेचर रख करके इसको चलाया जाता है 7 to 10 times कंटिन्यूस 7 to 10 days तक राउंड द क्लॉक ये चलती है, तब जाकर के वो 100% कार्बन फ्री होती है। जब वहाँ से हम 60 grams जो लेकर के आए थे, यहाँ कितना रह गया 25 grams, जब 25 grams रहा उसको हमने 10 से 20 गुना डिस्टिल वाटर के अंदर डिजोल्व किया, घोला, उसको इंडस्ट्रियल ब्लॉटिंग फिल्टर पेपर से हमने फिल्टर किया। जो फिल्ट्रेट आया उसके जो पानी को ह्यूमन टेम्परेचर के ऊपर 37 degrees के ऊपर वोलेटाइज कर दिया, उड़ा दिया। जब उड़ा दिया उसके बाद जो सॉल्ट के रूप में हमारे पास एंडोसॉल बचता है वो ये चीज बच जाती है, ये बचेगा लगभग 3.5 grams से 3.5 grams से 4.5 grams तक। अब तीन चीजें आ गई आपके पास, सल्फर, मरकरी, साल्ट, है ना जी। अभी भी मेडिसिन बनी नहीं है, अब कैसे बनेगी, इन तीनों चीजों को दोबारा से रीयूनिफाई कर दिया जाता है, तब इसकी गेस्टेशन, तीनों को इकट्ठा कर दिया हमने, 1, 2, 3, सल्फर, मरकरी, साल्ट। फिर उसके बाद इसको 9 days से लेकर के अकॉर्डिंग टू प्लांट 16 days तक गेस्टेशन के लिए रख दिया जाता है, राइट। जब गेस्टेशन कंप्लीट होती है फिर इसको रीप्यूरिफिकेशन के लिए, जो रिपीटेड डिस्टिलेशन वाला जहाँ मरकरी बन रहा है ना, उस यूनिट में फिर दोबारा लेकर के जाया जाता है, जिसमें फिर एंड में आकर के हमारे पास 450 ml क्रूड फॉर्म मिलता है, जिसको बोला जाता है क्रूड फॉर्म ऑफ द प्लांट, राइट। और उसी को हम D1 बोलते हैं साइंटिफिकली, यानी कि D1 उसका ट्रेड एक कोड नंबर है, बट उसी को हम साइंटिफिकली बोलते हैं।